मेरा सवाल ये है कि दुनिया की मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल को देखते हुए हम लजना इनफरादी और तंजीमी तौर पर आने वाले हालात के लिए कैसे खुद को तैयार कर सकती हैं दुआ करें अल्लाह ताला तूरत हाल से आपको बचाए और इसके अलावा तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है एक ये है कि अमूमी अखलाकी सूरत हाल दुनिया की उसके लिए लजना को चाहिए कि अपने घरों में अपने माहौल को ऐसा पाक साफ रखें कि आपके बच्चे आप पर नज़र रखें खामद और बीवी दोनों अपने नमूने कायम करें अमी अपनी बातों के मैार बुलंद करें दुआएं करें अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी और जब बच्चे बाहर से आएँ तो उनको सिखाएं कि इस्लामी अखलाक और आदाब क्या चीज़ें हैं अल्लाह क्या हुक्म है किस तरह हमने करना चाहिए जब बच्चे देखेंगे कि माँ बाप इस्लामी तलीम के मुताबिक अमल कर रहे हैं और उनकी ज़िंदियाँ इस्लामी तलीम के मुताबिक गुजर रही हैं तो वो अमूम बिला माशा यही होता है कि फिर बच्चे नेकी की तरफ जाते हैं जहाँ तक ये सवाल है आपका अगर है कि दुनिया में जो जंगी हालात हैं उसके बाद क्या होगा तो वो अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा अभी तो जंग की तरफ बढ़ रही है दुनिया जो दुनिया बचेगी उसको आपने बताना है अवल तो पहले ही बताना शुरू कर दें कि इस्लाम की ये तालीम है अमन से रहो अल्लाह ताला को याद रखो तो फिर बचत है तुम्हारी नहीं तो तबाही की तरफ तुम लोग जा रहे हो तो ये तालीम इस्लाम देता है कि इस तरह इस तरह हमें रहना चाहिए खुदा ताला को हमें याद रखना चाहिए जिस तरह मर्दों को तबलीग करनी चाहिए उसतों को भी करनी चाहिए अपने अपने हलके के अंदर माहौल में इसी तरह अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए कि वो भी अपने अपने माहौल में बताएं बच्चों के माहौल में कि किस तरह हम बच सकते हैं फिर जब अगर होना ही होनी है जंग और ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है तो फिर कम से कम जब उसके बाद जो लोग बचेंगे उनकी खुदा ता ताला तो की तोजो पैदा होगी और उनकी तोजह ये पैदा होगी कि हाँ कुछ लोग ऐसे थे जो हमें खुदा की तरफ बुलाया करते थे कि ये जरिया चलो हम उनकी तरफ चलते हैं फिर आपको तबलीग के मैदान मजीद खुलेंगे ठीक है इसमें लजना भी इन्वॉल्व है मर्द भी इन्वॉल्व हैं बच्चे भी इन्वॉल्व हैं